बसमीम् अल्लामकम पाकिस्तानियों हम पाकिस्तानी सियासत पर बात तो नहीं करते ना हम इस बात का तस्करा करते हैं कि पाकिस्तान में आज कल क्या हो रहा है या इतजाद अहसन साहब का वो बयान जो उन्होंने कल दिया कि शरीफ फैमिली को किसने रिलीफ़ दिया और किसने मुल्क से बाहर भेजा लेकिन आम सोचने की बात ये है कि अगर हम देखें कि किस तरह पाकिस्तान में लोगों को रिलीफ़ दिया जा रहा है पाकिस्तान में लोगों के केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं पिछले पाँच छः सालों में जो करप्शन के मेगा केसेस चल रहे थे एक एक करके वो ख़त्म हो रहे हैं और किस तरीके से करप्शन के केसेस से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से लोगों को बरी किया जा रहा है और लोगों को रिलीफ देकर उनको क्लीन चिट मिल रही है अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुझे बताएं इन हालात को देख कर पाकिस्तान का कौन सा ऑफिसर वो सीरियस काम करेगा यानी पिछले पाँच छः सालों में जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की जिन्होंने केसेस बनाए जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का सोचा पाकिस्तानी ख़जाने को भरने की कोशिश की और लोगों के मनी लॉन्ड्रिंग के, के केसेस और करप्शन के, के केसेस जो हैं, उनको को की अंजाम पहुँचाने के लिए जिन्होंने कोशिश की और सबूत इकट्ठे करके अदालतों में पेश किए मुझे बताएँ कि इन हालात को देख कर कई लोगों की जो है वह हिम्मत टूट जाएगी और आइंदा कोई आदमी भी करप्शन के केसिस पर काम नहीं करेगा और कोई इसको सीरियस नहीं लेगा जिसका एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी माशरे को और पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान होगा कि जिस तरीके से लोगों के केसेस ख़त्म हो गए और लोगों को क्लीन चिट मिल गई आप मुझे बताएं कि इन हालात में कौन सा आफ़िसर जो है या कौन सा अदारा वो सही तरीके से काम कर सकेगा ये सोचने वाली बातें हैं और लोगों को सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तानी अदारे ही जिन लोगों ने करप्शन ख़त्म करनी है अगर वो अदारे ही इसको सीरियस ना लें तो फिर करप्शन पर या इस तरह के कानून पर कौन काम करेगा और कौन जो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेगा अब जिस तरीके से लोगों को क्लीन चिट मिल रही है इसे तो साबित होगा कि आइंदा फिर कभी कोई इस पर काम नहीं करेगा और जिस तरीके से लोगों को ये दिखला दिया गया है कि आप जिस तरीके से मर्ज़ी करप्शन करें मनी लॉन्ड्रिंग करें ये कोई जुर्म नहीं है पाकिस्तानी माशरे में इसको जुर्म नहीं समझा जाता और दुनिया में हमारी क्या वक्त रहेगी ये सब सोचने वाली बातें हैं अल्लाह ताला हमें तोफीक दे के हम समझ सोच कर फैसले करें ताकि पाकिस्तान को मज़ीद डैमेज होने से बचाएँ अल्लाह हाफज